जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान पवन तनये तुम एक आधारा कथा मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग पितृपक्ष में संपन्न हो रहे श्रीमद्भागवत पुराण के विचार श्रृंखला के दूसरे दिन कथा में प्रवेश करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए शांतम प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक दिव्य स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडु जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए वैष्णव का परमधन साधु संतों का चिंतन विद्वानों का मनन भक्तों का वंदन भारत की धड़कर ये महापुराण जब किसी पर परमात्मा कृपा करते हैं पितृ प्रसन्न होते हैं माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं सत्कर्म साकार होते हैं सौभाग्य चरम पे होता है तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 16 दिन के लिए इस आयोजन को अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। चलिए आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था ग्रंथ का परिचय। ब्रह्मा जी ने अपने सारे ज्ञान को अपने मानस पुत्र व्यास जी को सौंपा। व्यास जी ने
चार वेद में बांटा, फिर 18 पुराण लिखे, उसमें से एक पुराण हम सुन रहे हैं। इस भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, जिसका मूल पाठ पंडित जी करेंगे 10 तारीख से। मैं विशेष प्रसंगों की व्याख्या कर रहा हूँ। कोई भी ग्रंथ जब आरंभ होता है तो पहले उसका महात्म्य आता है, मतलब ये ग्रंथ क्यों महान है। तो कल हम जब महात्म्य सुन रहे थे तो हमने सारी कथा सुनी थी कि व्यास जी उदास हुए तो उन्होंने महाभारत के बाद भागवत लिखी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तो वेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नोमा भागवत आरंभ हुई श्लोक के साथ, परमात्मा के आनंद स्वरूप के साथ। फिर महात्म में सारी चर्चा आई कैसे परीक्षित जी को शाप लगा तो सुखदेव जी उनको कथा सुना रहे हैं। फिर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आई, और कल आपको याद होगा कि हमने कथा का समापन किया था श्रवण के फल भेद से। जो जैसी कथा सुनेगा, जिस ढंग से कथा सुनेगा, उसको वैसा फल मिलेगा। अब देखिए, है तो महामारी का दौर, विपरीत का समय, लेकिन ये भी सौभाग्य है कि आप घर में बैठ के भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भी क्या कम सौभाग्य है? इसी सौभाग्य को प्रणाम करते हैं। और अब भागवत में भागवत कैसे की जाए, इसकी विधि लिखी हुई है। वो विधि मैं कई बार बताता हूँ, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कितनी अच्छी बात है। देखिए कि ऐसे भी कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भागवत कहना पड़ेगी और भागवत सुनना पड़ेगी। लेकिन भागवत में जो विधि लिखी है कि ऐसे कार्ड छपवाई है, बैठने का स्थान ऐसा हो, सबको सूचित करो, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ग्रंथकार ने लिखा है कि जब कभी आप भागवत की कथा कराओ, सबको आमंत्रित करो, भूल जाओ कौन अपना कौन पराया, अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, प्रभावशाली, असाधारण, प्रसिद्ध, आदर्शवादी, विशिष्ट, गर्वित, बहादुर, वैभवशाली, उदात्त, शानदार, जानदार, रौबदार जाती है। और आपके तो घर उतर रही है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जब भागवत कथा का आयोजन किया होगा तो ग्रंथ को मस्तक पर रख के एक छोटी सी शोभा यात्रा है, बड़ी सी निकाली होगी। आप जानते हैं मस्तक पर क्यों रखा जाता है ग्रंथ? क्योंकि ऐसा कहा है कि भागवत भगवान का सिंहासन है, इस पे भगवान बैठते हैं। तो जब हम ग्रंथ को मस्तक पर रखते हैं तो हम भगवान को अपने मस्तक का सिंहासन दे रहे हैं, एक तरह से उनका सम्मान करें। तो इस निराले ढंग से आप और हम भागवत सुन रहे हैं। सचमुच मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है, इस समय का सदुपयोग भी हो रहा है। मैं तो देखता हूं आप में से अनेक लोग कैसे भाव श्रद्धा से सुन रहे होंगे। ये हमारे, आप देखते हैं हमारे 3 साथी लोग भी इस भागवत को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। स्नेहा बहन जी, पंडित पवन जी और पंडित लखन जी। पंडित लखन जी तो मूल पाठ में भी अभी उतरेंगे, ये भी पूरी भागवत सुनते हैं और बड़े प्रेम से सुनते हैं। सच तो ये है कि ये जो आयोजन आप तक पहुंच रहा है, ये इन्हीं श्रोताओं, ये एक तरह से आयोजक ही है, बहुत सुंदर ढंग से आयोजन करते हैं। और सच बात है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भागवत ऐसे कही जाएगी और सुनी जाएगी। ऐसा कहते हैं भागवत सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या ऐसा होता होगा? पाप नष्ट नहीं होते, भागवत सुनने से पाप भस्म होते हैं। और भस्म की विशेषता है कि वो समाप्त होने के बाद भी रह जाती है। भस्म एक ऐसा अस्तित्व है। तो आपके पाप भस्म होंगे, वो आपको दिखेंगे और आपसे कहेंगे सावधान हो जाओ। और यहीं से हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक का ये ग्रंथ है। जब पहला स्कंद आरंभ होता है तो कहते हैं व्यास जी के यहाँ संतान हुई सुखदेव। सुखदेव को जन्म लेते ही बैराग जागा तो चल दिया, तो व्यास जी पीछे दौड़े, अरे भाई कहाँ जाते हो, घर गृहस्थी बसाओ। तो व्यास जी ने अपने पिता को उपदेश दिया, इसको कहते हैं युवा वाणी। भागवत के जो प्रथम वक्ता है, प्रमुख वक्ता है, वो है सुखदेव जी। एक युवा ने भागवत बोली है, तो ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए कि भागवत बड़े बूढ़ों का ग्रंथ है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है।
ये तो सफेद बाल वाले सुनते हैं, ये तो वो सुनते हैं जिनको 10-15 साल में दुनिया छोड़ के जाना है। सूत जी से नैमी शारण्य वन में 88,000 शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। सूत जी एक बहुत अच्छे वक्ता थे, तो उन्होंने जो उत्तर दिए उससे भागवत कथा बन गई और वही कथा हम सुन रहे हैं। 24 अवतारों का प्रसंग आया और फिर भागवत में ग्रंथकार ने महाभारत की चर्चा की है। जब महाभारत समाप्त हो गया तो कुंती ने कृष्ण जी को रोक लिया था और कहा था कुछ दिन के लिए रुक जाओ कृष्ण। कुंती की बात सुन के भगवान मुस्कुराए थे, मंदम जहास ऐसा लिखा है। मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, भगवान कृष्ण की कथा है और भगवान कहते हैं जिंदगी में कोई काम करो, भले ही संघर्ष कर रहे हो, अपनी आंतरिक प्रसन्नता भंग मत होने देना। इसलिए हमारे कृष्ण जी कहते हैं जरा मुस्कुराइए। उन्होंने अपनी बुआ से कहा, बुआ पहले जरा मुस्कुराइए, दुख तो आएगा। और यहीं कुंती ने कृष्ण से दुख मांगा था। कुंती ने कहा था तुम मेरे भतीजे ही नहीं, तुम भगवान हो, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा था मांगिए, तो कहा इतना दुख देना क्योंकि दुख में तू बहुत याद आता है। सच बात है, इन दिनों हमारे जीवन में जो दुख उतरा है ना, खूब याद कर लेना भगवान को, एक वही सहारा है जो हमको इसमें से निकाल के ले जाएंगे। अब कथा आगे बढ़ती है। इसी पांडव वंश में आगे परीक्षित पैदा हुए। परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु और सुभद्रा के बेटे। अभिमन्यु का तो महाभारत में निधन हो गया, सुभद्रा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की, तो परीक्षित पैदा हुए। बड़े तपस्वी राजा थे, एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, भूख के कारण विवेक खो दिया। ध्यान रखिएगा, भूख के कारण विवेक खो दिया। इंसान को भूख और प्यास में कभी कभी अच्छे बुरे का भान चला जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस दौर में आपको शायद अंदाजा ना हो, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो तो ठीक ठाक लोग हैं, आज हमारे देश में और दुनिया में धरती पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस कोरोना के कारण अपनी रोजी और रोटी दोनों से हाथ खो बैठा है, और भूख और प्यास में आदमी का विवेक चला जाता है। अपराध बढ़ेंगे, ध्यान रखिए, अगर कर सकें तो सहयोग करिए, लोगों की भूख मिटाइए। परीक्षित जैसा राजा भूख प्यास में ये भूल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। शमीक ऋषि के आश्रम से निकला, शमीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे थे, एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, वो चला गया। उधर उनका बेटा आया श्रृंगी, उसने देखा पिता के गले में मरा हुआ सांप है, तो उसने तुरंत जल उठा के श्राप दे दिया कि जिस किसी ने ये कुकृत्य किया है उसको 7 दिन बाद तक्षक नाग आकर डस लेगा। देखते ही देखते राजा परीक्षित शापित हो गए। छोटा बेटा श्रृंगी रोने लगा तो पिता शमी कृषि का ध्यान टूटा, और जब ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा, बेटा बेटा क्या बात है? तो बेटे ने बताया ऐसा ऐसा हो गया। शमी कृषि ने ध्यान लगा के देखा कि मेरे बेटे ने किसको श्राप दिया, तो देखा राजा परीक्षित को दे दिया, तो कहा अरे ये क्या किया। और भागवत में वर्णन आता है कि शमी कृषि ने अपने बेटे को मूर्ख कहा कि तुम मूर्ख हो, परिपक्व नहीं हो, छोटी उम्र में तुमने ये नहीं देखा श्राप किसको दे रहे हैं, मूर्ख कहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, हमारे कुछ रिश्ते हैं, उन रिश्तों में जो वार्तालाप, जो बातचीत का तरीका, वो बिल्कुल अलग होता है। पिता अपने संतान से संकेत की भाषा में बात करता है, तो इसलिए पिता कभी मूर्ख कहे, बेवकूफ कहे, तो गाली मत समझना, अपमान मत समझना, कोई संकेत है उसके पीछे। माँ लाड़ की भाषा में बात करती है, पत्नी तोहफे की भाषा में बात करती है, पत्नियों की बात करने के थोड़े भी बड़े निराले होते हैं, पति हमेशा आभूषण जैसी बात करता है, मित्र मजे मजे की बात करते हैं, और गुरु सदैव आशीर्वाद की भाषा में बात करते हैं। इन रिश्तों की भी भाषा है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे, क्योंकि परीक्षित को लग गया शाप,
तो परीक्षित ने विचार किया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब इस संसार से जाते हैं तो आत्मा शरीर छोड़कर कैसे जाती है, कौन मुझे इसका भान कराएगा। तो सबने कहा तुम सुखदेव जी को बैठा कर कथा सुनो। सुखदेव जी को गुरु बनाया, बैठ गए और सुखदेव जी से कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं देह से देहांतर कैसे करती आत्मा, मैं अंतिम सांस में मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूं, मैं होश में मरना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, 7 दिन का तुम्हें श्राप है। और वो 7 दिन की कथा इसलिए की जाती है, भागवत की कथा 7 दिन इसलिए की जाती है कि परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा। अब लोग हमसे कह रहे हैं आप 15 दिन कर रहे हैं, तो आप में से किसी को थोड़ी श्राप लगा है जो 7 दिन में जाना है, 15 दिन करो। स्वामी राम सुखदास जी ने तो बाकायदा कैलेंडर दिया है कि आप महीने भर करो, कोई मना थोड़ी है। उनको 7 दिन की प्रॉब्लम थी, आपको क्या दिक्कत है, आपको कोई थोड़ी सांप काटने वाला। और आजकल तो वैसे भी सांप आदमियों को काटने में डरता है, क्योंकि आदमी को सांप काटे तो आदमी तो फिर भी जहर उतार लेता है, पर आदमी का जहर चढ़ जाए तो फिर सांप कहाँ जाएगा। आजकल सांप नहीं आते शहरों में, कोई आ जाए भूले भटके मुंह रख तो बात अलग है। उसको 7 दिन का श्राप था, हमको आपको थोड़ी है, सुनते हैं कथा आराम से 16 दिन। यही प्रथम स्कंद समाप्त हो जाता है। और जब ग्रंथकार हमको दूसरे स्कंद में ले जाते हैं, अब देखिए भागवत में वक्ता और श्रोता के लेवल है। एक वक्ता सुखदेव जी हैं, एक श्रोता परीक्षित हैं, एक वक्ता सूत जी हैं, 88,000 शौनकादि ऋषि सुन रहे, और बीच बीच में नए नए वक्ता श्रोता आते रहेंगे। जब दूसरा स्कंद आरंभ होता है तो उसमें लिखा है भागवत की कथा का श्रवण मनन और ध्यान 3 तरीके से सुनना चाहिए। श्रवण में श्रद्धा हो, मनन करिए जो सुने उसको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में लाएं, और ध्यान जरूर करिए। वही ध्यान है जिसको मेडिटेशन कहा है, इसलिए कहूंगा इस पितृ पक्ष में थोड़ा समय मेडिटेशन को जरूर दीजिए। अभी भागवत में कल हम और अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है, लेकिन ग्रंथकार ने कहा है अभ्यसेत मनसा जितश्वासो, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ होता है अभ्यसेत मनसा मतलब ओम का मानसिक जप करिए, जितश्वासो अपनी प्राण वायु को वश में कर लें। कोरोना के इलाज के लिए अब ये तय हो गया है कि साइंस ऑफ ब्रीदिंग, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग को जितने अच्छे से आप समझेंगे, सांस को कला मानेंगे, प्राणायाम ठीक से करेंगे, आप सुरक्षित हो जाएंगे। इलाज तो डॉक्टर की दवाई से होगा, लेकिन जिन्हें प्राणायाम का अभ्यास होगा, डॉक्टर कहते हैं उन्हें ठीक होने की संभावना अधिक हो जाती है, प्राणायाम करिए। और अगर आपके पास कोई मंत्र हो तो उससे तो जरूर अच्छे से करिए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, आपके पास कोई गुरु मंत्र हो तो उससे करना, कोई ना हो तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, नहीं ये 37वीं चौपाई इसी को मंत्र मान लो। और कुछ ना आपकी रुचि हो तो ओम को मंत्र मान लो। अब जरा ध्यान से सुनिए, अपने इस अंगूठे से राइट हैंड से अपनी नाक का राइट छिद्र बंद करना और गहरी सांस खींचना, मतलब कि इसमें एक चौपाई पूरी बोलूंगा मैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो एक बार में आपने एक चौपाई ली, अब जब इसको नाक को ऐसे बंद करना, आपकी सांस भीतर है तो रोकी हुई सांस के साथ 4 चौपाई बोलना, उसी को 4 बार बोलना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय 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 हम, जो आपकी हो, मैंने तो आपको प्रथम से बता दी। आप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव इसको बोले, लेकिन 1-4 मतलब 1 में सांस भीतर खींचना है, इतना टाइम देना है, फिर इससे 4 टाइम आपको सांस अंदर रोकना है, 2 टाइम में सांस बाहर छोड़ना है, और फिर 2 टाइम उसको रोकना है। जैसे हमने एक चौपाई ली, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, नहीं
फिर चार बार इस चौपाई को बोल के सांस रोकना है, और जब सांस छोड़े तो दो बार बोलना है, जय 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 हनुमान को साई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान को साई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और फिर जब रोकना है दोबारा लोने के पहले तो फिर दो बार बोलना, और फिर एक बार चार बार दो बार फिर दो बार फिर एक बार चार बार दो बार फिर दो बार, आपको समझ में आ जाएगा, ना आए तो हमसे पूछ लेना। लेकिन 1422 के साथ प्राणायाम करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है जितश्वास हो। फिर किस देवता की पूजा किस बात के लिए किया जाए इसका वर्णन है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है, और यही ग्रंथकार हमको तीसरे स्कंद में ले चल रहे हैं। देवियों और सज्जनों, एक बात याद रखिए, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं क्योंकि परीक्षित को शाप लग गया, गलत काम किया था ना, पाप अनुचित कुकृत्य दुष्कृत्य गलत काम किसी से भी हो सकता है, हमसे और आपसे यदि कोई गलत काम हो जाए तो प्रायश्चित करिए, क्योंकि आप ही को करना है, दूसरा कोई हथेली नहीं लगाएगा। ये उसूलों की लड़ाई है कि हमने गलत किया है तो प्रायश्चित हम करेंगे। किसी शायर ने लिखा है, यह तय जान कर कूदना उसूलों की लड़ाई में, ये तय जान कर कूदना उसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ न बोलेंगी चिरागों की सफाई में। आप ही को करना पड़ेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, बुरा वक्त आएगा, कठिन समय आएगा, आश्चर्य की बात नहीं कि अपने ही लोग साथ छोड़ जाएं। तीसरे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहां ऐसा बताया जाता है कि एक दिन विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब तक आप सोचते हैं और ऋषि मुनि संतानें आपकी पैदा हो जाती, इसको मानसिक सृष्टि कहते हैं, लेकिन आप मैथुनी सृष्टि का निर्माण करिए। मैथुनी सृष्टि का अर्थ होता है स्त्री पुरुष के देह की मिलन से संतान का जन्म होना। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया तो उनके सीधे हिस्से से एक पुरुष पैदा हुआ जिनका नाम मनु रखा गया, उनके बाएं लेफ्ट साइड से एक स्त्री पैदा हुई जिनका नाम शत्रुपा रखा गया, और मनु और शत्रुपा हमारे पहले माता पिता बन गए। मनु शत्रुपा हमारे पहले माता पिता हैं। अब उन्हीं के वंश की कथा आएगी, इसीलिए पितृपक्ष में भागवत सुनाई जाती है कि आपके माध्यम से आपके पितृ इस कथा को सुन रहे हैं। ये कोई ऐसी ही बात नहीं कह दी गई है, ये ग्रंथ इसी तैयारी से आया है। हम उन्हीं की तो संतान है, मनु शत्रुपा की, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, फिर हम हो गए, फिर संप्रदाय बन गए, धर्म बन गए, लेकिन है तो उन्हीं की संतान है। अच्छा, यहां एक बहुत प्यारी घटना घटती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मनु शत्रुपा ने पैदा होते ही ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के एक बात बोली, ते शुशुषा केन वा भवेत, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। संतानों ने अपने पिता पितामह ब्रह्मा से सबसे पहली बात तो ये ही कही, पैदा होके हमारे लायक कोई सेवा बताइए। संतानों का दायित्व है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, आप जिनके वंशज हैं उनकी सेवा में कभी कोई कसर मत छोड़ना। ये श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है, आप जिनके वंश हैं, आप जिनके अंश हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको तृप्ति दे रहे हैं। अभी मैं श्राद्ध पे अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप मेरे द्वारा कही जा रही कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो आप तो मीडिएटर हैं, तृप्ति उनको मिल रही जो आपके पितृ हैं। और चूंकि वो पूरी कथा सुनना चाहेंगे संस्कृत के मंत्र के श्लोक के रूप में, तो इसीलिए हमने 10 तारीख को मूल पाठ बैठा दिया। पंडित जी बैठ के पूरी गरिमा के साथ 4 घंटे रोज उच्चारण करेंगे, और इसीलिए आपसे प्रतिदिन आग्रह करता हूं कि अगर आपका मन हो तो अपने परिवार की ओर से यजमान बने, क्योंकि मनु शत्रुपा ने सबसे पहले यही कहा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अपने माता पिता, अपने जन्मदाता, अपने बड़े बूढ़े, अपने वंश के पितरों के प्रति सदैव ऐसे खड़े रहिए, बोलिए हम आपका क्या कर सकते हैं। ये पहली संतान की
मुंह से निकली हुई संसार की जो पहली वाणी थी वो यही थी, ते शुश्रूषा केन वा भवेत। संतानों का दायित्व है कि वो कहें बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो पहली बात संतानों से बोली वो भी सुन ले, और वो थी आशीर्वाद। यहां था सेवा का भाव। संतान ने पहला समाधि संसार में आने के बाद मैथुनी सृष्टि में कहा बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपने हमें जन्म दिया है। और माता पिता के रूप में जन्म देने वालों ने जो पहला संवाद बोला स्वस्ति स्ताद वाम, तुम्हारा कल्याण हो। बड़ा प्यारा शब्द स्वस्ति स्ताद वाम, तुम दोनों का कल्याण हो। यहां ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया कल्याण हो, ये बड़ा प्यारा शब्द है कल्याण हो। जब आप किसी को आशीर्वाद देते तो ये नहीं कहा तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा कभी बुरा ना हो, ना ना कल्याण हो। कल्याण में सब समाया है, कल्याण में अच्छा भी समाया है, कल्याण में बुरा भी समाया है। हर बुरे के पीछे अच्छाई आती है, हर सुख के पीछे एक दुख है, दुख के पीछे एक सुख है। बड़ा प्यारा आशीर्वाद दिया कल्याण हो। ऐसा ही आशीर्वाद कुंती ने महाभारत में कर्णों को दिया था। कर्ण ने जब कुंती से कहा कि आपको ज्ञात हो चुका है, मुझे ज्ञात हो चुका है, मैं आपका बेटा हूं, प्रथम पुत्र हूं, पहला पांडव हूं, युद्ध में आप चाहती हैं आपके पांच पुत्र जीवित रहें, यही मुझसे मांगने आई है ना, तो मैं एक पुत्र को मार भी दूंगा अगर अर्जुन को तो मैं तो जीवित रहूंगा, तो पांच तो आपके फिर भी रहे, मैं भी आपका बेटा हूं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। कुंती अगर कहती विजयी भव तो एक पांडव मारा जाता है, यहां पुत्र खड़ा। तो कुंती ने कहा था भाई कृष्ण जी की बुआ थी, उन्होंने कहा था तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी मृत्यु हो तो उसमें भी कल्याण हो, तुम्हारा जीवन बचे उसमें भी कल्याण हो। तो ये कल्याण हो पहला आशीर्वाद है। और ब्रह्मा जी ने माता पिता से बड़े बूढ़ों से कहा था अपनी संतानों को अपने बच्चों को सदैव आशीर्वाद देते रहिए। दो चीजों की पूंजी होती इंसान के पास, वरदान और आशीर्वाद। रावण के पास वरदान की पूंजी थी, राम जी के पास आशीर्वाद की पूंजी है। वरदान कब पाप में बदल जाए पता नहीं लगता, लेकिन आशीर्वाद सदैव शुभ लेके आता है। जीवन में ऐसे काम करते रहिए आपको आशीर्वाद मिले। वरदान मत बटोरिएगा नहीं तो राक्षस हो जाएंगे। मनु शत्रुपा की पांच संतानें हुई, तीन बेटियां दो बेटे। इस संसार की पांच संतानों में तीन बेटियां थी दो बेटे। भगवान बेटी देकर अधिक संख्या में प्रसन्न होता है। हमारे घरों में कन्या का जन्म हो तो दुख मत मनाना, नहीं तो परमात्मा के निर्णय के विरुद्ध जा रहे होंगे। कन्या की भ्रूण हत्या तो बहुत बड़ा पाप है, कभी ना करिएगा। आकुति देवहूति प्रसूति तीन बेटियां थी। उत्तानपाद और प्रीव्रत दो बेटे थे, अब इन्हीं का वंश आगे चलने वाला है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया और देवहूति का विवाह करदम नाम के ऋषि से किया गया। करदम बड़े तपस्वी ऋषि थे और करदम इतने तपस्वी ऋषि थे कि जब उन्होंने गृहस्थी बसाने की सोची तो ब्रह्मा जी से पूछा कि हूं तो ऋषि तपस्या कर रहा हूं लेकिन मैं घर बसाना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, उन्होंने कहा था करदम परमात्मा को गृहस्थी में उतरने में बड़ा आनंद आता है, परमात्मा को पाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, इसी गृहस्थी में मिल जाएगा तुमको। रोटी बनाते हुए, अपने घर के काम करते हुए, दुकान पे गल्ला गिनते हुए, दफ्तर में नौकरी में कागज भरते हुए, आपकी नियत कैसी है इस पर डिपेंड करेगा। परमात्मा को पाने के लिए जरूरी नहीं कि संन्यास ले लिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पास चल के मनु शत्रुपा आएंगे परसों, अपनी बेटी देवहूति का प्रस्ताव देंगे, तुम मान्य करना। और देवहूति और करदम ऋषि का विवाह हो गया। इनके दाम्पत्य जीवन के लिए ऐसा कहते शारीराह मानसाह दिव्याह वैयासे ये चुमानुषाह। इनके दाम्पत्य के लिए लिखा गया भौतिकाह च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संशयम्। इनकी गृहस्थी कैसी थी हरि संशयम्, शब्द देखिए क्या चुना है। और जिसकी गृहस्थी हरि संशयम होती है भागवत कहती है उसको शारीरिक मानसिक दैविक और भौतिक
ताप नहीं सताते, इन पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य के जीवन में ये चार दोष आ जाते हैं। शारीरिक दोष को परिश्रम से दूर करिए, मानसिक दोष को ध्यान से दूर करिए, दैविक दोष को भगवान पर भरोसा रख के दूर करिए, और भौतिक दोष को अपने आप को भोग विलास से संयम, भोग विलास से दूर रख के संयम करते हुए करिए। लेकिन अपनी गृहस्थी को हरि संशयम बनाए रखिए, भगवान से संरक्षित, भगवान से सुरक्षित रखिएगा। आज हमारी गृहस्थी हमारे भरोसे चलाएं तो अच्छा है, पर आधार भगवान का रखना। आज तृतीय स्कंध के समापन की कथा में मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि मनु शत्रुपा के बच्चों के परिवार के वंश की कथा आगे बढ़ रही है। तीन बेटियों में से दो बेटी की तो आज ही सुन ली, आकुति का विवाह रुचि से, देवहूति का करदम से, और इस विवाह के पश्चात एक संकेत दिया गया हमारी गृहस्थी कैसी होना चाहिए। हरि संशयम, भगवान के संरक्षण में होना चाहिए। आप ये जो कथा सुन रहे हैं ना, ये हरि संशयम का ही काम है। आप भगवान का संरक्षण चाहते हैं इसलिए बैठ के इतनी सुंदर कथा सुन रहे हैं, और भगवान के भरोसे रखें। अगर भगवान के भरोसे नहीं रखेंगे तो आपके भीतर एक डाह पैदा हो जाएगा, कलह पैदा हो जाएगा, वैमनस्य पैदा हो जाएगा, अपने ही लोगों का अहित करने का मन पैदा हो जाएगा। इसीलिए तो एक ग्रंथ अद्भुत हो जाता है। एक आदमी को कुत्ते ने काट खाया, डॉक्टर ने मुआयना कहा, बोले केस बिगड़ गया है। और एक बीमारी होती कुत्ते के काटने से, रेबीज, उसमें उस आदमी को इतना जहर चढ़ जाता है, वो कुत्ते की तरह व्यवहार करता है, बोलता है। और अगर ऐसा आदमी जिसको ये बीमारी लग जाए और वो दूसरे को काट ले तो कुत्ते का जहर उसमें भी चला जाता है। डॉक्टर ने कहा, भाई देर हो गई, अब आपका मरना भी निश्चित है, पर मरने के पहले सबसे खतरनाक बीमारी है कि आप किसी को काट लेंगे तो उसको भी रेबीज हो जाएगा। वो आदमी थोड़ी देर तो सुनता रहा, उसने कहा, डॉक्टर साहब एक कागज़ और एक पेन देंगे? डॉक्टर साहब ने दे दिया, कुछ लिखने लगा। डॉक्टर को लगा वसीयत लिख रहा होगा बच्चों के नाम, क्योंकि मरना तो है ही। तो ऐसे ही पूछा, क्या लिख रहे हो? बोले कुछ नहीं, लिस्ट बना रहा हूँ। काहे की लिस्ट बना रहे हो, किस किस को काटना है? अब देखो आप अपने घर में अपने ही लोगों को काटने लगते हैं। कुछ लोग, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो जो कथा सुनते हैं बहुत प्रेम से घर में रहते हैं, लेकिन इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, घर में चल रही है, दफ्तरों में चल रही है, एक दूसरे को निपटाने में अपनी ऊर्जा और योग्यता लगा देते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो कथा सुन रहे हैं ना, हरि संशयम। इसीलिए मैं कहता हूं ये ग्रंथ इस ढंग से लिखा गया है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, इसमें बीते कल की स्मृति है, आज का शोध है और भविष्य की योजना है। जीवन प्रति पल बदल रहा है, नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। 6 महीने पहले हमने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ऐसी करवट ले लेगी। 6 महीने बाद क्या होगा? आइए अपनी कथा को समाप्त कर रहा हूं, एक छोटी सी घटना सुनाएं। एक युवक था और उसको किसी युवती से विवाह करने का मन था, और वो उसको प्रस्ताव रखने जाता, लेकिन वो युवती बड़ी मुंहजोर थी, और उस युवती ने कह दिया, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देके मुझे संतुष्ट कर देगा मैं उससे विवाह करूंगी। तो ये बड़ा परेशान हो गया, तो ये उसके पास गया और ऐसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो उसने जवाब दे दिया, जहां पैर ले जाए। अब ये बड़ा परेशान हो गया, अपने गुरु के पास आया, गुरु थे उनके, गुरु जी उस लड़की से मैं बात करना चाहता हूँ, यदि मैं उसको संतुष्ट कर दूँ तो मेरा विवाह हो जाए। लेकिन वो प्रश्न ऐसे कहती, उत्तर ऐसे देती। मैंने उससे पूछा कहाँ जा रही, तो कहती जहाँ पैर लेना। हाँ, तो गुरु जी ने कहा, फिर ठीक है ना, मैं तुझे सिखाता हूँ, मैं भी तेरा गुरु हूँ। जैसे ही वो कहे कि जहाँ पैर ले जाए, तो तू पूछना कि यदि तुम्हारी टांग टूट जाए तो? उस युवक ने कहा, हाँ गुरु जी, ये बात बढ़िया बताई आपने। गुरु जी भी खुश हो गए। वो लड़का फिर गया। अब वो युवती निकली, इसने उससे पूछा कहाँ जा रही, तो युवती ने उत्तर बदल दिया, कहने लगी जहाँ हवा ले जाए। अब ये परेशान हो गया, टांग हवा में चली गई।
तुरंत गुरु जी के पास आए। गुरु जी उसने तो बात ही बदल दी, वो तो कह रही हवा जहां ले जाए। गुरु जी तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कर, कल तू जाके उससे कहना यदि हवा बंद हो जाए तो। शिष्य ने कहा गुरु जी आप बड़े बुद्धिमान हो। गुरु जी भी प्रसन्न हो गए, फिर पहुंच गया, ये युति मिली। इसने फिर सवाल दागा कहां जा रही हो, उसने कह दिया सब्जी लेने। अब फिर आ गए वापस, अरे गुरु जी वो तो रोज उत्तर सवाल बदल देती है। तब गुरु जी ने कहा बेटा जिंदगी इसी का नाम है, यहाँ प्रतिदिन प्रतिपल सब बदल जाता है। कल जो आपके प्रश्न थे उसके उत्तर कुछ और प्रासंगिक है। बदलती हुई जिंदगी में अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वैल्यूज मूल्य नहीं बदलेंगे, परंपराएं बदल जाएंगी, प्रश्न बदल जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर बदल जाएंगे, लेकिन मूल्य आधारित वैल्यू बेस्ड लाइफ के जितने इशारे हैं वो इस भागवत में मिलते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं इस ग्रंथ को जरूर सुनिएगा। तो ठीक है, आज मैं इस कथा को यहां विराम दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं अपने पितरों को यदि मूल पाठ सुनाना है तो 10 सितंबर से 16 सितंबर तक शांतम में जो मूल पाठ का आयोजन होगा आप उसमें अपने परिवार के साथ यजमान के रूप में जुड़ सकते हैं। हमने 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ आज इसके तीसरे स्कंद तक की कथा हमने सुनी। कल हम फिर आगे बढ़ते हैं, अभी मनु शत्रुपा के बच्चों की कथा यानी हमारे वंश की कथा आ रही है, पितृपक्ष में सुन रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा खुश रहें, खुश रखें, भगवान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं रात को 8 बजे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण हमारे हनुमान।